बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सेफ लैंडिंग कैसे की जाए। तो आपको यहाँ से छलांग लगानी है और सामने मार्स इलेक्ट्रिक के टावर पर लैंडिंग करनी है। पर सर, ये तो 1500 फीट की ऊंचाई है, अगर यहाँ से गिरे तो हमारा लूट बॉक्स भी नहीं मिलेगा। अरे कुछ नहीं होगा, देखो पहले मैं छलांग लगा के दिखाता हूँ, परफेक्ट लैंडिंग करूँगा सामने टावर पे। देखा बच्चों, क्या ही ओपी लैंडिंग थी, आ जाओ तुम भी। अरे वाह, लगता है सर पहुंच गए क्रिमिनल्स, चलो हम भी जाते हैं। अरे भाई लोग, पर हम एक चीज तो भूल गए। अरे क्या भूल गए? तेरा सूट। अरे तुम लोग सारो सब भूल ही जाते हो बहुत, जाओ डोबी में और लेकर आओ। अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्रिमिनल्स, बोट के बोट ही रहोगे। अब देखो मैं जाता हूँ। हाँ सारे जा, तू भी लॉबी में जा। ओए तेरी काली जुबान, ओए पर मैं बच गया। अरे मेरी जुबान काली नहीं, लाल है, लाल बोलो जुबा केसरी। बाबू मोसाय, मेरा पैराशूट आदम सासा, तुम रोक लेना, मैं बिना पैराशूट के जाएगा। अरे हिपॉप तो बिना पैराशूट के कूद गया, वो तो सीधा लॉबी में जाएगा। नहीं सर, वो हिपॉप है, उसे पैराशूट की जरूरत नहीं, टॉयलेट मैन बोलते ओपी बोलते। बाबू मोसाई सही पकड़ा है। अरे सकुर जी, अब आपकी बावी है, आप वहाँ कहाँ जा रही हो? नूबड़े, मुझे पता है, तू सारा मत बन। ओ सकुर जी, ये क्या कर रही हो आप? अबे मैं पापा की परी हूँ, मुझे पैराशूट की जरूरत नहीं। अरे सकुरी, ये क्या कर रही हो? सर वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ सही कहा, सकुरी बोलते ओपी बोलते। आदम, अभी तक उस टावर पर कोई भी लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि उन सबको मैंने 150 रुपए देख के खरीद लिया था, पर मैंने तुझे नहीं खरीदा क्योंकि तू वैसे भी नूबरा है, तू नहीं पहुंच पाएगा। चल अब मैं चलता हूँ, मुझे उस टावर तक पहुंचना है और सकुरी जी को इम्प्रेस करना है। अरे सकुरी को 10 रुपए के गोल गप्पे खिला देते तो भी इम्प्रेस हो जाती, फालतू में ही सबको 150-150 रुपए दिए, और रेड क्रिमिनल तो 30 रुपए के रिडीम कोड में भी बिक जाता। ये लो मैं तो पहुंच गया टावर पे, पर वो नूबरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लगता है नीचे होगा सर के साथ। अरे वाह शाबाश आदम बेटा, तूने तो बहुत बढ़िया लैंडिंग की। और सर कसड़ा सेठ, मेरा मतलब है कि मॉनिटर कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सर, वो तो मेरे पहले वहाँ से निकल गया था। अरे सर बचाओ मेरे को, मैं आसमान से छपका और नारियल के फेर से अटका। अरे वो घर पे चला गया होगा, छोड़ो उसे, और कल हमारा स्पोर्ट्स डे है, सबको पार्टिसिपेट करना है। ओए अगले दिन। ओए अरे क्या बात है, आज तो सब लोग टाइम से पहले ही आ गए स्कूल पे। हाँ सासा, तड़प ही ऐसी है ना, आज स्पोर्ट्स डे है इसीलिए। बाबू मोसाय, वो देखो वो नुबड़े तो आज स्पोर्ट्स डे है फिर भी बैग लेके आए हैं। अरे कल का मैथ्स का होमवर्क तो बहुत इजी था। अरे क्या बात है भाई, इतने सारे बच्चे हैं क्या हमारे क्लास में? अरे सर पढ़ाई लिखाई में इनको इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स डे के ही दिन दिखते हैं। चलो बच्चों, हमारे प्यारे प्रिंसिपल मैडम आ गए हैं, वो आपको जिंदगी के 2 महत्वपूर्ण शब्द कहेंगे, फिर हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। बीमार, बीमार। वाह क्या ही स्पीच दी है प्रिंसिपल मैडम जी ने। तो चलो अब मैडम को अलविदा कहते हैं और एक्टिविटी शुरू करते हैं। बीमार। तो चलो आज का आपका स्पोर्ट्स डे मैनेज करेंगे आपके स्पोर्ट्स के टीचर मिस्टर के। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करेंगे स्प्रिंट रेस से, जिसने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया से वो आ जाओ। ये लो सर, सब लोग आ गए, मैं तो बोनविटा पी के आया हूँ, सबको पीछे छोड़ दूंगा। अरे वो तो देखते हैं कौन किसको पीछे छोड़ता है। चलो बच्चों, रेडी स्टेडी भागो नुबड़ो। अरे रेड क्रिमिनल चल, क्या कर रहा है? अरे नहीं सासा रुको, रेडी फर्स्ट होती है, क्या टाइम पास कर रहा है। और ये आलोक अपनी फर्स्ट पोजीशन बरकरार रखते हुए और आदम ने अपने कदमों का सही इस्तेमाल करते हुए आलोक को बोल्ड कर दिया और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे निकल गए हैं। अबे यार ये रेस तो आदम जीत गया। अरे बेटा आदम, तूने तो कमाल कर दिया, शाबाश। पर ये नूबड़ा रेड क्रिमिनल कहाँ से? मुझे पता था स्प्रिंट रेस तो आदम सासा ही जीतेंगे, इसीलिए मैंने फालतू में ही अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की। तो चलो गर्ल्स रेस स्टार्ट करते हैं, डरती हो क्या मुझसे? अबे नूबड़े तू डरता है, इसीलिए तो तू गर्ल्स रेस में आ गया। अरे नहीं सकुड़ी, तेरे यार दा
कोई कॉम्पिटिशन नहीं। अरे नूबड़े, तू यहाँ लड़कियों के रेस ट्रैक में के कर रहे से? सर मैं यहाँ लड़कियों के साथ इंस्टा रील्स बनाने आया हूँ, वो ज्यादा वायरल होती है ना इसलिए। नूबड़े के बकवास करे से? सर बकवास तो आप कर रहे हो, रेस ट्रैक पे आदमी रेस ही लगाएंगा ना, मुंजड़ा थोड़ी करेगा। अरे नूबड़े मारे से जबान लड़ावे से, चल निकल बॉयज के ग्रुप में। अरे सर आप तो हेड से हेडशॉट मारते हो ओपी। तो चलो लड़कियों, रेडी स्टेडी गो। चलो गर्ल्स भागो, आज हम सकुरी को नहीं जीतने देंगे, हर बार फर्स्ट आ जाती है नूबड़ी। ए हिपुड़ी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे नूबड़ी कहा? अरे ये तो चीटिंग है। अरे वाह सकुरी, तू जीत गई से, और ये कोई चीटिंग बीटिंग ना से। अरे बड़ी आई सब नूबड़ी, मुझे पंगा लेने वाली है। अरे अब लास्ट एक्टिविटी लॉन्ग जंप है, और इसमें मैं क्रिमिनल आदम और हिप हॉप ही है। मुझे बस आदम को हराना है, क्योंकि क्रिमिनल को मैंने 150 रुपए में खरीद लिया है और हिप हॉप को मैंने चूर्ण खिला दिया है, इसीलिए हिप हॉप का फेट आज साफ रहेगा, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अरे सरकार हम आपके साथ हैं, आप ही जीतोगे कॉम्पिटिशन। हम आपके साथ ही है। चलो बच्चों अब आपको लॉन्ग जंप लगाना से, और ये बहुत मुश्किल से, इसमें 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया से, तो सबसे पहले हिप हॉप छलांग लगाएगा। और बाबू मसाई सर ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, देखो। अरे यार छलांग नहीं लगी, साला तूरन खा के गलती कर दी। चल बे आदम तारी बारी से। ठीक है सर, येलो में आया। अरे बढ़िया कोशिश की आदम, पर तू थोड़ा सा रह गया। कोई नहीं सर, अगले साल देख लेंगे। बहुत बड़ा आया अगले साल जीतने वाला, तू कभी भी मेरे से जीत नहीं सकता। अब ये देख आदम ऐसा लगाता है लॉन्ग जंप। अरे के बात से कचरा सेठ, मेरा मतलब मॉनिटर, बढ़िया खेल गयो, पर ज्यादा खुश मत हो, अभी रेड क्रिमिनल की बारी बाकी से। चल रेड क्रिमिनल, रे ये नुबड़ा फिर से कहां चला गया? अरे सकुड़ी ऐसे लॉन्ग जंप तो मैं रोज लगाता हूँ, मेरे लिए ये आम बात है, पर मैं लगाऊंगा नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कोई भी एड़ा गेड़ा सड़ आके मेरे को बोलेगा कि सड़ांग लगाओ तो क्या मैं लगा दूंगा? रे नुबड़े तन्ने मैं कॉम्पिटिशन से एलिमिनेट करता सू। अरे यही तो मुझे चाहिए था सर। तो चलो भाई आज का हमारा क्लियर विनर से क्लास का मॉनिटर, चल स्टेज पे आजा, प्रिंसिपल मैडम तन्ने प्राइज देगी। सासा मैं तो 150 में बिक गया था, पर आप कंपटीशन की वाड़े। आगे आगे देख क्रिमिनल, होता है क्या फिर तुझे पता चल जाएगा मैं क्यों हारा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इस आज मकान पे खड़ा हूँ। अरे कौन सा मकान भाई, ये तो स्टेज है, मेरा मतलब है कि मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। रे प्रिंसिपल मैडम क्यों ना आई अभी तक, टाइम तो हो गयो। बीमार ये लो हमारी प्रिंसिपल मैडम आ गई, अब वो विनर को प्राइज देगी। बीमार। अच्छा तो भाई विनर को मिल रहा से मोहब्बत का पान। अरे पर इसका मैं क्या करूँगा प्रिंसिपल मैडम जी। बीमार। रे तारा प्राइज ए से के तारे को मैडम जी की दुकान में बिमल बेचनी से। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। चलो अब अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दो, और गाइस कमेंट में ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक है, फॉलो कर लो, आप में से ज्यादातर लोग तो फेक अकाउंट को फॉलो कर रहे हो।